आज 20 जुलाई 2023 हम आज कॉरपोरेशन में हमने आज विजिट की और यहाँ के जो पीएमसी कमिश्नर है विक्रम कुमार साहब से मुलाकात हुई। एक ऑनगोइंग इशू था अशरफ नगर कोंडवा बुजुर्ग का, जहाँ पे इनको कंटेमिनेटेड वाटर ड्रेनेज वाटर मिक्स्ड ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा था। ये इशू हमने जनवरी 2021 में भी उठाया था, लेकिन कुछ टेम्प्रेरी वर्क्स करके उन्होंने काम खत्म कर दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़े टाइम के लिए पानी ठीक आया, 1 हफ्ते 15 दिन के लिए, बट अगेन उसके बाद में सेम सिचुएशन है। यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, निमोनिया हो, टाइफॉइड हो, आप कोई देखने तैयार नहीं। लोकल कॉरपोरेटर तो है नहीं अभी, लेकिन कॉरपोरेशन ने भी कोई खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे पानी का आने का टाइम नहीं है, कभी भी स्केड्यूल पानी का अपडेट होते रहता है, कभी रात में 12 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, पता नहीं कब आएगा, बट अगेन जो आता है वो इस हालत में आता है। तो यही चीज़ हमने आज विक्रम कुमार से मुलाकात की, आज हमारे जो पीएमसी कमिश्नर है उनसे मुलाकात करके हमने पर्सनली उनको रिक्वेस्ट किया, उनको डिमांड किया कि ये अगर इशू रिजॉल्व नहीं करते आप तो हम लोग इसका घेराव करेंगे पीएमसी का, जैसे हमने आज घेराव किया उनके ऑफिस का। हमें रोका गया था अंदर जाने से हमारी वहाँ की जो लेडीज़ हैं हमारे और जो मर्द हैं हमारे वहाँ के, उन सब यहाँ पे आए वो चीज़ों के लिए, हमको अंदर जाने नहीं दिया। हमने ऑफिस का घेराव किया और ज़ोर ज़बरदस्ती से हम लोग आज अंदर गए और उनसे बात की, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 करोड़ का प्लान सैंक्शन किया है उन्होंने ड्रेनेज के लिए और पानी के लिए, ये दोनों चीज़ ज़रूर जल्दी से जल्दी हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल के इशू के लिए उन्होंने कहा है कि टेम्प्ररी वर्क्स कैरी आउट करके पानी को क्लीन करने की कोशिश किया जाएगा, बट अगैन उनके आश्वासन के हिसाब से 2 करोड़ काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला है कि हो जाएगा, तो हम बिलीव करते हैं, रिटर्न में भी दिया है उन्होंने, तो ये सब चीज़ें हो गई है। दूसरा इशू हमने जो SDPI के लेवल पे रेस किया वो ये था कि कोंडवा बुद्रुक में आर यूफोरिया हाउसिंग सोसाइटी और HMIL हाउसिंग सोसाइटी के बीच में एमिनिटी स्पेस है, जहाँ पे कॉरपोरेशन ने ज़बरदस्ती अपने गार्बेज के ट्रक जाल के रखे, जिसकी वजह से पानी जमा हो रहा है गार्बेज ट्रक्स में। वो गार्बेज ट्रक पहली बार बोलना चाहता हूँ कि वो पूरे ख़राब हुए हैं, वर्न आउट ट्रक्स है वो। तो उसके उस जो एमिनिटी स्पेस है उसके सामने जो है मनसुख भाई कोठारी स्कूल है, जहाँ पे 4 से 5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, वो एमिनिटी स्पेस के पीछे आर यूफोरिया हाउसिंग सोसाइटी है, जहाँ पे 750 से 800 फ्लैट है। उसके सामने HMIL रॉयल सोसाइटी है, जहाँ पे करीब करीब 500 फ्लैट्स हैं। तो इन दोनों सोसाइटियों के बीच में और स्कूल के सामने एमिनिटी स्पेस का इलीगली तरह से पीएमसी कॉरपोरेशन इस्तेमाल कर रही है। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सर ये निकाल दें, हमने डिमांड भी किया अगर नहीं निकालेंगे तो हम प्रोटेस्ट केस करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द काम हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने दोनों चीज़ आज रिजॉल्व की है, आके उम्मीद करते हैं कि वक्त से काम हो जाएगा और राहत मिलेगी। मित्रांनो, आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। ह्या विषयावर तुम्हाला काय वाटतं हे आम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.